घटना फिरोजाबाद के थाना रामगढ़ क्षेत्र के मोमिन नगर की है। बताया जाता है कि एक घर में घरेलू गैस सिलेंडर पर काम करते समय अचानक सिलेंडर में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि जिसकी चपेट में आने से करीब 12 वर्षीय बालिका खुशी पुत्री भूरा की जलने से मौत हो गई। वहीं दो बालिकाएं व एक महिला भी समेत 5 लोग आग की चपेट में आने से झुलस गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं घटना की जानकारी पर पहुंचे एसपी सिटी सर्विस कुमार मिश्रा ने बताया कि पुलिसकर्मी ने बहादुरी का परिचय देते हुए घर में आग लगे हुए सिलेंडर को बाहर निकाला। इसके साथ ही आग में झुलसे हुए को अस्पताल पहुंचाने में भी काफ़ी मदद की। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है और सभी घायलों को अस्पताल भर्ती कराया गया है, जहां सभी का उपचार किया जा रहा है। फिरोजाबाद से जिला संवाददाता अमरीश राजपूत की रिपोर्ट, एसकेएच न्यूज़। सर अभी आपकी घटना हुई है, किस तरह का मामला है सर? देखिए, थाना रामगढ़ क्षेत्र के मोमिन नगर मोहल्ले में एक इसरार हैं, उनके घर में आज आग लग गई थी, जिसमें एक हादसा हुआ, एक बच्ची थी उसकी जान चली गई है। बाकी इसमें अन्य बच्चियां भी थी, जिन्हें पुलिस विभाग की टीम और फायर की टीम तथा कुछ पब्लिक वालों के सहयोग से उन्हें सकुशल निकाला गया है। कुछ इंजर्ड थी, हॉस्पिटल उन्हें भिजवा दिया गया है। इसमें एक हेमराज गौतम हेड कांस्टेबल हैं, उन्होंने बहुत बहादुरी का काम किया थाना रामगढ़ के हैं, और जलते हुए सिलेंडर को उन्होंने बाहर फेंका है। प्रारंभिक जांच से ऐसा लग रहा है कि सिलेंडर में आग लगने से यह हादसा हुआ है। इसमें आवश्यक विधि कार्रवाई कराई जा रही है।